यूज करते हैं। अच्छा, तो आप जो खाना है वो चूल्हे पे बनाते हैं और हाँ, उसके लिए आप चूल्हे पे गोबर के जो उपले होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ। आज है विश्व पृथ्वी दिवस और आप देखिए हमारे होनहार नैना राम जी एनवायरमेंट को साफ सुथरा कर रहे हैं। डॉक्टर आपने बोला क्या इसे चिड़ियों को पानी पिलाने वाला ये देखिए, हमें सीखना चाहिए गांव के लोगों से किस प्रकार से वो लोग अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जहां उठते बैठते हैं उसको बिल्कुल। ये देखिए यहां पे कचरा सारा इकट्ठा किया हुआ है और ये प्लेस आप देखिए इनकी कितनी साफ सुथरी है, यहाँ पर कुछ भी कचरा नहीं दिखेगा। नमस्कार, क्या करते हो आप घर को साफ रखने के लिए? हाँ, आपका क्या योगदान है? जैसे आज जैसे मैं आपको बताऊं कि विश्व पृथ्वी दिवस है और इसके संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगी? ये देखो ये तो हंसना नहीं है, ये मिट्टी से बर्तन धोते हैं, कोई केमिकल्स का यूज नहीं, सारा शुद्धता का पूरा ख्याल रखते हुए, क्योंकि अभी आज के जमाने में कहीं पे ये चीजें और ये है इस बंजर में लगाया हुआ गार्डन। हेलो, हाय हाय, हेलो हेलो, भूल गया क्या, भूल गया क्या? देखिए यहाँ पे लग रहे हैं बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च और टुटू, आजा आजा और बताइए आप कुछ गांव की लाइफ के बारे में, कैसे पौधा वगैरह वही बकरिया के भींगने के लेकर खाद देते हैं पौधों को। अच्छा, पौधों को खाद आप बकरी की जो भींगनियाँ होती है उसकी खाद बनाते हैं। और आप ये जो गर्मी जब आती है मई जून का जो महीना होता है जैसलमेर और यहाँ पे लाठी जानन क्षेत्र में तो बहुत गर्मी रहती है, उसके लिए फिर आप क्या उपाय करते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप ऐसी गर्मी में परेशान नहीं होते, कैसे सहन करते हैं? उसके लिए आप अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने का सोचते हैं कि कुछ पेड़ पौधे लगा लिए जाए? हाँ। तो आपने लगा रखे हैं? Okay. Yeah.